इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तबरियास की झील के पार गया। और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मोजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा। और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें? उसने आजमाने के लिए फिलिपुस से ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। 200 दिनार की रोटियां उनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी भी मिल जाए? यीशु के शागिर्दों में से एक यानी शमून पतरस के भाई इंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या है? सभी लोगों को बिठाओ। उस जगह बहुत घास थी, बस वो मर्द जो तखमीनन 5,000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे उनमें बांट दी। उसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर वो चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। शागिर्दों ने जमा किया और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच गए थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मोजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया।